नमस्कार जोहार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो कि सुबह के मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। चले कि झारखंड में 3469 युवा बने शिक्षक। सीएम हेमंत सोरेन, बच्चों के भविष्य निखारने में लगी है सरकार। बचले के झारखंड में शिक्षकों की कमी अब दूर हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक साथ 3469 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र खिलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में सौंपा। नियुक्ति पत्र पाने के बाद अभ्यर्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। नव नियुक्त शिक्षक क्षेत्र के स्कूली बच्चों को उनके क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई भी कराएंगे। सभी शिक्षकों को राज्य के सभी स्कूलों में नियुक्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सांकेतिक तौर पर 24 नवनियुक्त शिक्षकों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कैसे और बेहतर करे इस पर लगातार काम कर रही है। तो दूसरी ओर बच्चों की कोचिंग का खर्च उठाएगी झारखंड सरकार। शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के बाद बोले सीएम हेमंत सोरेन। बजले के झारखंड के हाई स्कूलों में नवनियुक्त 3469 शिक्षकों को सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को नियुक्ति पत्र सौंपा। 5 सालों के दौरान पहली बार राज्य में इतनी अधिक संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति हुई। शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के लिए खिरगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नियुक्ति पत्र वितरण के लिए पूरे राज्य के शिक्षकों को रांची बुलाया गया था। इसी बीच बदले की सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बच्चों की कोचिंग का खर्च उठाएगी झारखंड सरकार। दूसरी ओर लगातार झारखंड में बढ़ती गर्मी को लेकर के झारखंड के कई जिलों में 23 मई तक परेशान रहेगी गर्मी। IMD ने जारी किया लू का अलर्ट, जिले का हाल बेहाल। मतलब झारखंड में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, इसके और बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने जो ताज़ा जानकारी दी है उसमें कहा गया है कि 21 से 23 मई तक लू चलने की आशंका जताई गई है। शुक्रवार को मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश के उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से में कुछ जगहों पर 21 मई को लू की स्थिति देखी जा सकती है। दूसरी ओर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 मई को आ रही हैं देवघर। एयरपोर्ट से बाबा मंदिर और सर्किट हाउस तक होंगे कड़े प्रबंध। संजीत मंडल बताते हैं कि 24 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के देवघर आगमन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं और ट्रैफिक व्यवस्था व साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है ताकि किसी प्रकार के व्यवधान की गुंजाइश न रहे। यह निर्देश DC मंजुनाथ भंजेत्री ने शुक्रवार को अधिकारियों को दिया। उन्होंने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि एयरपोर्ट से लेकर बाबा मंदिर, सर्किट हाउस और तमाम रूट इधर से महामहिम का काफिला गुजरेगा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं। वहीं दूसरी बार एक बार फिर से बंद हुए 2000 रुपये के नोट। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, क्योंकि अब फिर से सरकारें और गवर्नमेंट ने यानी कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से 2000 रुपये नोट बंद करने का ऐलान कर दिया है। बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बैंकों को सलाह दी है कि वे 2000 रुपये मूल्य के नोटों को जारी करने पर तत्काल रोक लगा दें। हालांकि केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा है कि यह 2000 रुपये के नोट 30 सितंबर तक वैध रहेंगे और 23 मई से लेकर 30 सितंबर के बीच इन 2000 रुपये के नोटों को बैंक में जमा कराया जा रहा है। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2018 तक भारतीय बाजार में करीब 6.73 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 2000 रुपये के नोट प्रचलन में थे, जो 2023 में घटकर 3.62 लाख करोड़ रुपये हो गए हैं। यह प्रचलन में कुल नोटों का केवल 10.8% बताया जा रहा है। बताया कि इसी को लेकर के RBI ने फिर एक बार नोटिस जारी कर दिया है कि 23 मई से 30 सितंबर के बीच आप 2000 रुपये के नोटों को बैंक में जमा करके बदली कर सकते हैं, नहीं तो 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट वैध नहीं रहेंगे। तो दूसरी ओर सांप्रदायिक कॉरपोरेट गठजोड़ के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे वाम दल। BJP को सत्ता से बेदखल करने की बड़ी रणनीति। राज्य की वाम दलों ने सांप्रदायिक कॉरपोरेट गठजोड़ के फांसीवादी खतरे के खिलाफ अपने संघर्ष और धारदार बनाने की घोषणा करते हुए झारखंड के जन मुद्दों पर राज्यव्यापी आंदोलन किए जाने की घोषणा की है। कन्वेंस द्वारा वाम दलों के नेतृत्व में भविष्य के कार्यक्रम के अंतर्गत जून महीने में जिला स्तरीय संयुक्त कन्वेंशन आयोजित करने जुलाई अगस्त महीने में जन मुद्दों पर सभी प्रखंडों व प्रदर्शन
प्रदर्शन किए जाने, सितंबर माह में 3 जत्था निकालने कर राज्यव्यापी अभियान चलाने और इस वर्ष के अंत में राजधानी रांची में वाम दलों की एक बड़ी गुटबंदी किए जाने की घोषणा की गई है। पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा कि देश में सांप्रदायिक घटनाएं लगातार घट रही हैं। सांप्रदायिक राजनीतिक ध्रुवीकरण कर भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हुई है और आगे भी एजेंडा सरकार का बरकरार है, इसलिए देश में वैसे फासिस्ट पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए वाम दलों को एकजुट होकर संघर्ष करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसमें अदाणी अंबानी के सारे पर केंद्र की सरकार चल रही है, राजकीय अफसर बेलग्राम हो चुके हैं। तो वहीं श्री वो शिक्षकों से बोले, सीएम हेमंत सोरेन ऐसा पुरस्कार देंगे कि आप कभी सोच नहीं सकेंगे। पचले के झारखंड में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के शुभारंभ के बाद हजारों शिक्षकों की बहाली हुई। शुक्रवार को सभी नवनियुक्त शिक्षकों को सीएम हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र भी सौंपा। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने कई अहम ऐलान किए, जिसमें से एक है कि राज्य के सभी स्कूलों की ग्रेडिंग होगी, फिर अव्वल स्कूलों के शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। राज्य में होंगे 5,000 से अधिक उत्कृष्ट विद्यालय। नवनियुक्त शिक्षकों के शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने झारखंड में 80 उत्कृष्ट विद्यालय बनाए, आगे चलकर राज्य में 5,000 से अधिक उत्कृष्ट विद्यालय होंगे, लेकिन इन उत्कृष्ट विद्यालयों को उत्कृष्ट बनाए रखने शिक्षकों की जिम्मेदारी है। और इसी बीच शिक्षकों को ऐसा पुरस्कार देने की भी बात सामने आ रही है। सीएम ने कहा कि आने वाले समय में राज्य के सभी स्कूलों की ग्रेडिंग होगी, जिसके बाद टॉप 3 में आने वाले स्कूलों के शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। हालांकि क्या पुरस्कार दिया जाएगा इसका भी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन इतना इशारा जरूर किया गया है कि यह पुरस्कार काफ़ी बड़ा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सफल स्कूलों के शिक्षकों को एक विशेष रूप से पैकेज दिया जाएगा, जिसका अभी जिक्र नहीं होगा। यह ऐसा पुरस्कार जो होगा जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो दूसरी वो पूर्व सीएम रघुवर दास का हेमंत सरकार पर निशाना, कहा लाख कोशिश के बावजूद शिक्षकों को नहीं रोक पाए नियुक्ति। बजट के भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा, कहा कि कड़े संघर्ष के बाद शिक्षकों की नियुक्ति हुई। उन्हें हाई स्कूल शिक्षकों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के प्रति विशेष आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अगर न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं हुआ होता तो इन शिक्षकों की नियुक्ति संभव नहीं हो पाती। दूसरी ओर मोदी सरनेम केस को लेकर के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। मजले के कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में कन्विंसिंग याचिका दायर कर रांची के एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर मानहानि से जुड़े मामले की निचली अदालत में सशरीर उपस्थित से छूट देने की मांग की है। निचली अदालत ने 3 मई को उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। प्रार्थी राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता दीपांकर ने बताया कि सीआरपीसी की धारा 205 के तहत दायर याचिका को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। उन्होंने निचली अदालत में उपस्थिति से छूट का आग्रह करते हुए कहा था कि इस मामले में कार्यवाही के दौरान उन्हें उपस्थिति से छूट दी जाए। अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति होने की अनुमति देने का आग्रह किया गया था। एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि मोदी सरनेम और राहुल गांधी द्वारा दी गई आपत्तिजनक टिप्पणी से आहत होकर शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में मानहानि का मामला दायर किया है। तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता बंधु तिर्की बोले, झारखंड के जनजातीय समूहों के विकास के लिए हाई लेवल कमेटी बनाए हेमंत सरकार। झारखंड के पूर्व मंत्री वह कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड स्थापना के 22 साल बाद भी अधिकतर जनजातीय समूहों का उपेक्षित अभाव ग्रस्त और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रहना गंभीर चिंता की बात है। वह अभी वर्तमान में अनुसूचित जनजाति की सूची में 32 जातियां सूचीबद्ध हैं, लेकिन उन सभी के संतुलित अपेक्षित और योजनाबद्ध विकास के लिए राज्य सरकार को नए सिरे से अपनी योजना तैयार करनी चाहिए, क्योंकि अब तक यह बात पूरी तरीके से ग्राफ से प्रमाणित हो चुकी है कि अनेक कारणों से विविध सरकारी योजनाओं का उन जनजातीय समूहों को अभी तक पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाया है। तो दूसरी ओर यूथ इनोवेशन फंड से युवाओं को दिया जाएगा सहयोग। DRIF एवं अग्रगति के संयुक्त तत्वावधान में GOIN कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को रामगढ़ महाविद्यालय स्थित हब में सूचना तकनीकी को लेकर युवाओं के लिए सेक्टर वार्ता का आयोजन किया गया।
कार्यशाला का शुभारंभ रामगढ़ महाविद्यालय की प्राचार्य रेखा प्रसाद, रत्ना प्रसाद, डॉक्टर सुनील कुमार व अन्य अतिथियों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में यूथ इनोवेशन फंड को भी कार्यशाला के दौरान लॉन्च किया गया। कार्यशाला में IT सेक्टर, नौकरी का मौका और अवसर के बारे में बताया गया। वहीं सूचना तकनीकी क्षेत्र में पारंगत के लिए प्रशिक्षण दिया गया। अनुदीप फाउंडेशन के विशेषज्ञों ने युवाओं को IT सेक्टर के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। तो दूसरी वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा सदस्य सह 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ स्टीफन मरांडी की रांची स्थित आवास पर आयोजित प्रार्थना सभा में शामिल हुए। इस अवसर पर पास्टर क्रिस्टोफर हेमंत के नेतृत्व में झारखंड की उन्नति, सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि राज्य और राज्यवासियों को सर्वांगीण विकास के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। नौजवानों को रोजगार देने की दिशा में सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। आप सभी के आशीर्वाद से झारखंड के अग्रणी राज्य बनाने का हमने संकल्प ले रखा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर डॉक्टर स्टीफन मरांडी की लंबी उम्र की प्रार्थना इस वर्ष से किया। 3 दिवसीय फास्टिंग फेयर फेस्टिवल में डॉक्टर स्टीफन मरांडी की पत्नी प्रोफेसर महा सिनी बेसरा और पुत्री उपासना मरांडी मौजूद रहीं। दोस्तों फिलहाल की खबर में इतना ही। थी कुछ आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि सुबह के समाचार के साथ आ रही थी। तो उम्मीद है की खबर पसंद आएगी। बस खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आया है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।